नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल सेवन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है ड्रुपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की, और इसमें अब तक हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट सब सेटअप कर लिया, और एजेक्स कार्ड के शॉपिंग कार्ड को भी हमने एजेक्स बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जो इसमें, वो पेमेंट मेथड है। दोस्तों, पेमेंट मेथड तो हम लोग इसमें, इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम लोग पेमेंट मेथड इसमें इनेबल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेमेंट मेथड गेटवे जो हम लोग करने वाले हैं, वो हमारा रहेगा कॉमर्स ऑथराइज डॉट नेट, ठीक है। ये पेमेंट गेटवे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने वेबसाइट में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको, अगर आपका डेवलपर का कोई अकाउंट नहीं है, अगर आपका डेवलपर का मतलब आप अगर डेवलपमेंट पर्पस से हैं, तो आपको एक अकाउंट यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। सैंडबॉक्स अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो लाइव जो अकाउंट होते हैं, वो अलग होते हैं, ठीक है। तो वो जब लाइव मर्चेंट के अकाउंट होंगे, वो अलग अकाउंट होंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी डेवलपमेंट से ले रहे हैं, तो डेवलपमेंट का ही दिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको अपने डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट डाउनलोड डाउनलोड करके आप अपने मॉड्यूल की डायरेक्टरी में रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सर्च करते हैं ऑथराइज डॉट नेट, ठीक है। तो हम लोग इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद हम लोग को इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग चलेंगे इसमें स्टोर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पेमेंट मेथड का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये एक पेमेंट एग्जांपल जो हमने किया था, तो इसको हम लोग, अगर अभी कोई काम नहीं है, तो इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। तो जितने भी आप पेमेंट मेथड आप अपने कॉमर्स की वेबसाइट में करेंगे, तो वो सब यहीं पर आएंगे, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सब भी दोस्तों आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी आपका डेटाबेस का, इस वेबसाइट का साइज़ बढ़ाता है। तो आपको जब जो आप मॉड्यूल आपके पास डिसेबल हैं और अनइंस्टॉल करना है, तो आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब अनइंस्टॉल करते हैं, तो डेटाबेस से क्या होता है, फील्ड और वो डेटा सब रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया हमारा ऑथराइज डॉट नेट का। तो अब इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जब आप ऑथराइज डॉट नेट पर अकाउंट बनाएंगे, तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक API लॉगिन आईडी मिलेगी और एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं अपना पेमेंट गेटवे। और स्टोर, कॉन्फ़िगरेशन, पेमेंट मेथड, सबसे पहले इसको इनेबल करते हैं। और इनेबल करने के बाद हम लोग चल करते हैं एडिट, और यहाँ पर हम लोग चलते हैं एडिट पे, और यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी जो आपकी क्रेडेंशियल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपनी, ये मैंने एक टेस्ट अकाउंट बना रखा है उसका है, तो ये अपना यूज़ करें, ठीक है, अपना यूज़ करें, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। डेवलपर हमने जो ट्रांजेक्शन मोड जो सेलेक्ट करना है, अगर आपकी लाइव साइट है, तो आप लाइव का ट्रांजेक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और टेस्ट मोड है, तो टेस्ट, ये सब सब मोड आपको वहाँ मिलेगा, मतलब ऑथराइज डॉट नेट में जब अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो डेवलपर टेस्ट अकाउंट हमने यूज़ किया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन टाइप्स होता है ये, तो ये हम लोग जो बाई डिफ़ॉल्ट वही रखते हैं। और ये जो ऑप्शन यहाँ हमें दिख रहा है कि लिमिट एक्सेप्टेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
तो आपको जैसे ये अगर सारे कार्ड्स अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप किसी भी चेक ना करें, और आपको अगर कोई कुछ ही कार्ड एक्सेप्ट करने हैं तो आप उनको केवल एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इनको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं जैसी जिसकी। और जो दूसरा है हमारे पास वो है ये ऑप्शन कि हम ईमेल सेंड करें तो कस्टमर को, ठीक है, रिसीव बेस पे, ठीक है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो हमारे पास ये एपीआई रिक्वेस्ट रिस्पांस, ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आप डेवलप मोड पे हैं, क्योंकि ये जब आप पेमेंट करोगे तो एक रिक्वेस्ट लगेगी और फिर ऑथराइज डॉट नेट से एक रिस्पांस आएगा। वहीं पर आप अगर कोई एरर आ रही हो तो आप वो रिक्वेस्ट रिस्पांस देख के आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसका जो लॉग बनेगा दोस्तों वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसका लॉग बनेगा रीसेंट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर वो लॉग बनेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको इनेबल कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं अपने पेमेंट गेटवे पे, पेमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट का, चेकआउट करते हैं। ठीक है, मैंडेटरी फील्ड चेक कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर आ गया क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड में आप एग्ज़ाम्पल के लिए फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ डालना पड़ेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में अगर आप इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, ये कार्ड ले नहीं रहा, ठीक है, इनवैलिड कार्ड बता रहा है। तो क्रेडिट कार्ड तो देखना पड़ेगा, नेट पे सर्च करते हैं कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फेक क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है, ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है। मास्टर का, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एक्सेप्ट कर लिया इसने, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया। वी आर प्रोसेसिंग, अभी कोई कार्ड टाइप गलत होगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं कोई ये हमारे पास शायद वर्क करे। ठीक है दोस्तों, मैं कोई क्रेडिट कार्ड नंबर आपको ढूंढ के देता हूँ, उससे फिर हम लोग इसका पेमेंट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग अली पे का अली पे एक पेमेंट गेटवे अली पे भी होता है, और हम लोग पेपाल भी कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि पेपाल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पेमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।